कोई कहता है ये टिकटॉकर है, कोई कहता है ये नागिन डांस करते हैं, बट आज आपको दिखाते हैं असलियत इंडिया के मोस्ट फेमस चाय वाले की। देखो शूट करने के लिए मना नहीं करूंगा। ये इतने ज्यादा प्यारे बाल रह रहे हैं। कहाँ भैया प्यारे, परसों के दिन फार्म हाउस पे गए थे, पूरे गलत हो गए थे मेरे बाल। उसके बाद में मैं संडे को फिर से सैलून गया। ये हर 15 दिन में सैलून जाना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, कभी 15 दिन लग जाते हैं, कभी 20 दिन लग जाते हैं, तो कभी कभी 1 महीना लग जाता है बराबर। कितनी चाय? ये आपका खुद का पर्सनल हेयर स्टाइल है? यस। इतना डरने का नहीं, इसलिए दूर खड़े रहने का। क्या है? आपको पता नहीं है ये क्या है? नहीं। आप पढ़ाई करते हो ना? मतलब पढ़ाई के बारे में आपको इसके बारे में समझा ही नहीं? पता तो आपको पता है ना? फिर झूठ काहे के लिए बोला तूने मेरे से? नहीं नहीं, झूठ क्यों बोला तूने मेरे से? आप बोलो तो मैं निकाल दूं? अच्छा नहीं लग रहा है? वेरी गुड। थोड़ी सी चाय मैं टेस्ट कर लूं? हां जी बिल्कुल, आपकी चाय और आप ही टेस्ट नहीं करोगे? ठीक है, दो चाय और क्या लिए थे भैया? लगा था क्या? आप बताइए ना, थोड़ा जोर से बताइए। ऐसा लोगों को लगता है सामने से कि लगता है, हाँ यस, पर वो लगता नहीं असल में, कुछ भी नहीं भैया। है ना, एक बार ट्राई किया था कि बोला चलो यार, उन्हें क्या आपने सॉन्ग सुने नागिन डांस, तो मैंने चलो बोला चलो एक बार दूध में भी ट्राई करके दिखाता हूँ। और ये कैसा है लाइव दिखता है आपको? आप कैसा है वीडियो में देखते हैं, लोग तो बोलते लगाता है करके। हाँ ऐसा है, अब कोई चाय वाला अगर ऐसी झूठी चाय पिलाएंगा तो कैसा लगेगा? ऐसा है। और आपने देखे होंगे चाय मैंने भी खुद ने पिया था, ऐसा नहीं कि नहीं पिया, 4 चाय सिगरेट वगैरह लिए थे। ओके हाँ डॉली 5 चाय। जय भीम। लोग ऐसा डरते हैं मैं क्या बताऊँ तुमको, जब लोगों को पता है कि डॉली इतने पुरताई से चाय देता है तो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए इतने पास में। अरे डॉली मेरे को वो लड़कों में से एक नाम बता, किसका भी एक नाम बता, किसका भी, कौन से भी सर का नाम बता, उनमें से कोई भी नाम बताइए, सर का नाम बता। रंजन सर कम हियर, हेलो रंजन सर। अरे मैंने तो पूछा भी था, गोविंद सर कम, हाँ हो जाइए पीछे हो जाइए, एक ने गज आराम से। कितनी चाय? 2 चाय। एक्सक्यूज मी, क्या काम ले, अंदर ले लेना, अंदर लेना आराम से ले, लेकिन हाँ मेरा आराम से वाला ही काम है, आराम से देता हूँ, आराम से लेना। नहीं नहीं, मेरे साथ में और एक है ना नागपुर का, उनका नाम तो आपने सुने होंगे। हाय मेरी जान समीर भाई, और उसके बाद में और एक भाई है, हाँ समझने का काम है, नहीं समझ में आया तो डॉली के पास आ। यस देखो वैसे तो काफ़ी हम मामा 3 में चाय चार्ज थी और सिगरेट एक ही थी अपनी वाली और पानी बॉटल वगैरह थी, तो 3 चाय और 1 सिगरेट 50, 3 चाय और कुछ भैया? हाँ 1 मिनट ये देख ले, ठीक है इलायची। अरे भाई तूने तो बोला ना मेरे को एक शूट होना करके इलायची वाला, तो फिर वही दिखाया मैंने। मैं सिर्फ क्या सी लेता हूँ, बस हो गया। देखो आप देख सकते हो मेरे पास में कितना क्राउड है, अब वो क्राउड में कैसा है, कोई ऑनलाइन डालता है, कोई नहीं डालता है, चले जाता है, अब उसमें लॉस किसका होगा? डॉली का। तो मैं आपको ऐसे ही एक चाय पी के जाने दूंगा, कोई हाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके आप देखो, जब से मैं सोशल मीडिया पे आया तो आपको पता ही होगा सोशल मीडिया पे आने का मतलब क्या होता है, कोई लोग बुराई करते हैं और कोई लोग तारीफ करते हैं, इसके बारे में मैं कुछ भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि तारीफ करने वाले भी आप ही लोग हो और बुराई करने वाले भी आप ही लोग हो। पकड़ चल नीचे, एक्सक्यूज मी, तो आवाज़ निकाल दिया चाय के लिए, आराम से हाथ पीछे करो, चाय पकड़ रहे, किसी जाए बोला, किसी जाए दूला दो, चाय कितनी होना?
चाह के पकड़। अरे बेबी इधर आ, एक फोटो ले जल्दी, चलो कल्टी भरो। ए तुम नीचे उतरो। थैंक यू। दो मिनट में समझा देता मैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। एक्सक्यूज़ मी, तेरा क्या बेटा, क्या होना? हाँ बेटा कैमरा कहाँ है? हाँ आ मेरे गोद में आ, एक फ़ोटो निकाल, चलो कल्टी भरो। हाँ ये तीन चाय लीजिए भैया, पैसे बाद में लीजिए भैया मेरे को, पहले चाय का मज़ा लीजिए। एक्सक्यूज़ मी भैया, पकड़ो भैया, आप भी पकड़ो। बच्चों के पापा मेरे आँखों में देखो, और बच्चों के पापा फोटो सीधी एंगल में निकालते हैं, आड़े में क्या लेते हैं, वीडियो लेते हैं।